और अच्छी खबर आपको बता देते हैं, न्यूजीलैंड से सीरीज में इंडिया की धमाकेदार शुरुआत हुई है। जयपुर टी20 मैच 5 विकेट से जीता है। सूर्य कुमार यादव ने 50 बनाए तो कैप्टन रोहित शर्मा ने भी दमदार पारी खेली है। तो ये जो शुरुआत हुई है इस टी20 की वो एक धमाकेदार शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। और जयपुर कह सकते हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए, इस टीम के लिए लकी रहा, क्योंकि इस सीरीज का पहला मैच जयपुर में हुआ है, एसएमएस स्टेडियम में हुआ है, एक लंबे समय के बाद हुआ है। और अब न्यूजीलैंड से सीरीज में इंडिया की धमाकेदार शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले मैच की बात करें तब न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था और उसी का बदला अब इंडिया ने ले लिया है। और इंडिया के लिए ये एक अच्छी खबर, इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत की। जयपुर में टी20 मैच में 5 विकेट से जीता है भारत। सूर्य कुमार यादव ने 50 बनाए तो कैप्टन रोहित शर्मा ने भी दमदार पारी खेली है। तो ये टीम इंडिया जो पहले न्यूजीलैंड से हारी थी उसका बदला आज जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में लिया गया। और ये बदला आप देखिए कि 5 विकेट से जीता है ये मैच। और कहा भी जा रहा था कि जो टीम पहले टॉस जीतती है उसे पिच का फायदा मिलेगा और वो टीम उसके जीतने के आसार बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। टीम इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत की और उसके बाद जीत भी हासिल की है। जयपुर टी20 मैच में 5 विकेट से जीता है टीम इंडिया ने ये मैच। सूर्य कुमार यादव ने 50 बनाए तो वहीं कैप्टन रोहित शर्मा ने दमदार पारी खेली है। और इसी के दम पर, क्योंकि रोहित शर्मा पहली कैप्टनशिप उनकी है, वहीं राहुल द्रविड़ वो पहले कैच कोच हैं, तो उन दोनों के लिए ही ये पहला मौका और एक अच्छी शुरुआत। और हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, जयपुर टीम इंडिया के लिए, टीम के लिए बहुत लकी रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही थी जिस की जयपुर में शुरुआत है वो जीत के साथ होगी, जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, क्योंकि जयपुर का जो मैदान है हमेशा टीम इंडिया को भाया है, हमेशा टीम इंडिया को रास आया है। और यही कारण है कि आज जो ये मुकाबला टीम इंडिया ने बेहतरीन जीत यहाँ पे दर्ज की है। खास बात यह है कि देखिए, एक समय लगा था कि मुकाबला कहीं एक तरफा न हो जाए, जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन मुकाबला रोमांचक हुआ, अंतिम ओवर में इसका फैसला हुआ। और अगर जीत चौके से निकली तो क्रिकेट प्रेमियों को इससे ज्यादा क्या चाहिए। और बड़ी चीज ये है कि जीत के गवाह बने हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, जीत के गवाह बने हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और दोनों के ही परिजन यहाँ मौजूद हैं। करीब 25,000 से अधिक क्रिकेट प्रेमी ने आज जिस तरह से यहाँ इस मैच का लुत्फ उठाया, जिस तरह से रोमांचक मुकाबला हुआ, एक अच्छे स्कोर का मुकाबला हुआ, क्योंकि ओस थी, दोनों ही पारियों में ओस थी, उसके बावजूद जिस तरह से अच्छा स्कोर हुआ 150 प्लस का, तो ऐसे में ये जो मुकाबला ये कह सकते हैं कि एक सुपरहिट मुकाबला था। और टीम इंडिया ने, टीम इंडिया के नए कप्तान ने, टीम इंडिया के नए कोच ने जीत के साथ आगाज किया है, और आगाज भी जयपुर की धरती से क्या है। बिल्कुल, तो नई कैप्टनशिप रोहित शर्मा की और नए कोच राहुल द्रविड़, और दोनों के लिए ही ये मैच जो है वो अच्छा मैच रहा, पॉजिटिव रहा, उनकी शुरुआत अच्छी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए